Welcome to your maths class. Today we will do addition and subtraction of unlike fractions. In previous lecture we done the addition and subtraction of like fractions. Now in this lecture we will do the same thing for unlike fractions. So in exercise 7.6, question number 1, solve 2/3 + 1/7. So here both the fractions are unlike. In case when the fractions are unlike, the first step before addition or subtraction is to make them like. तो उसके लिए हमारे पास कुछ particular steps होते हैं जिसमें हमने क्या करना है. First of all, the fractions which are given to us, जो fractions हमें दी गई हैं, we will take the LCM of their denominators. Here the denominators are 3 and 7, so we will take the LCM of 3 and 7. So divided by 3. Then 7 is divided by 7. So LCM is 3 × 7, that is 21. So here 21 is the LCM. Now what we have to do now? Here we will divide, LCM is 21 और हमने क्या करना है इसमें. We will take a particular fraction, एक fraction लेंगे जो fractions given है उनमें से. एलसीएम को उसके डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा वो ऊपर न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सी हियर द एलसीएम इज 21. सो आई एम टेकिंग द फ्रैक्शन 2/3. अब 2/3 में 3 डिनोमिनेटर है, 2 न्यूमिनेटर है. तो 21 को डिनोमिनेटर से हम डिवाइड कर देंगे. 3 के साथ डिवाइड किया, सो यू गेट 3 × 7 = 21. सो हियर वी गेट 7. अब ये जो 7 है हमने 3 के साथ डिवाइड किया, जिसके जो ऊपर नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 2 × 7 = 14 + सो सिमिलरली नाउ वी विल टेक द अनदर फ्रैक्शन विच इज़ 1/7. अब हम दूसरी फ्रैक्शन लेंगे, उसमें भी क्या होगा, जो हमारा एलसीएम है इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर के साथ हम एलसीएम को डिवाइड कर देंगे. 7 × 3 = 21 और जो डिवाइड करके आंसर आया 3, इट विल बी मल्टीप्लाई विद द न्यूमिनेटर. सो 3 × 3. सो हियर वी गेट 14 + 3 = 17/21 एज आर आंसर. सिमिलरली नो बी पार्ट इज 3/10/7/15. अगेन वी वर रिपीटिंग द सेम मेथड. फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द एलसीएम. तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है. 10 and 15 आर देयर. सो बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाई 5. सो 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15. Now 2 is divisible by 2, so dividing 2, 3 divide नहीं होगा, 3 को हम next step में divide कर देते हैं. So we are having LCM 5 × 2 × 3, that is 5 × 30. So here LCM 30. Now 30 is LCM of these two numbers, इन दोनों numbers का 30 LCM है, तो हमने इन दोनों numbers को के साथ 30 को डिवाइड करना है. सो पहले 30 को हम डिवाइड करते हैं 10 के साथ. 10 × 3 = 30. अब जो डिवाइड करके नंबर बना, अब क्योंकि 10 3 का डिनोमिनेटर है, तो जो डिवाइड करके ये 3 बना, ये इसी के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो इट इज़ 9 + अब 30 को किया 15 से डिवाइड. सेकेंड डिनोमिनेटर 15 × 30. जो 2 आया, अब 15 7 का डिनोमिनेटर है, डिवाइड करके आया 2 और ये 2 7 के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो हियर कम्स 14. सो 14 + 19 = 23/30. नाउ इन सी पार्ट डिनोमिनेटर्स आर 9 और 7. सो टेकिंग एलसीएम ऑफ 9 और 7, सो दे आर डिवाइडिंग एट डिफरेंट टेबल्स. तो पहले 7 को कर दिया, देन 9. सो एलसीएम इज 7 × 9 = 63. सो देयर एलसीएम 63. नाउ 63 इज एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स. तो इट मीन्स वी विल डिवाइड 63 बाई दीज टू नंबर्स टर्न वाइज. तो पहले 9 के साथ करेंगे. सो 63 को 9 से डिवाइड किया, 9 × 7 = 63. सो वी गेट 7. अब 9 डिनोमिनेटर है 4 का, तो जो डिवाइड करके आंसर आया दैट विल मल्टीप्लाई बाय 4. सो 7 × 4 = 28. सिमिलरली फॉर सेकेंड फ्रैक्शन 63 विल डिवाइडेड बाई 7. सो यू 7 × 9 = 63. सो हियर इट कम्स 9 एंड 9 विल मल्टीप्लाई बाई इट्स न्यूमिनेटर, दैट इज 2. 9 × 18.
So your answer is 16, 46 upon 63. So similarly in D part, 5 by 7 plus 1 by 3. We will take the LCM denominators. Denominators ka LCM aa gaya 21. So 21 is LCM of these two numbers. It means 21 will divided by these two numbers turn wise. So 21 will first divided by 7. 7 3 the 21. So here quotient is 3 or 3 7 ke numerator 5 se multiply ho jayega. So 3 5 the 15. Similarly in second fraction 21 will divided by 3. 3 7 the 21 and this quotient will multiply by its numerator which is 1. So 7 1 the 7. 15 plus 7 is 22 upon 21, which is your answer. Now similarly in E part, we are having 2 by 5 plus 1 by 6. So we are having denominator 5, 6. So unka LCM aa gaya 30. Now 30 is LCM of 5 and 6. It means 30 will divided by 5 and 6. Or 5 ke saath divide kiya, we will get 6. Or 6, 5 ke numerator 2 ke saath multiply ho jayega. You will get 2, 6 are 12. Similarly, now 30 is divided by 6, 6 ke saath divide kiya, quotient aya 5, aur 5, 6 ke numerator se multiply ho jayega. So here is 12 plus 5, that is 17 upon 30 is the answer. Similarly, in F part, LCM of 5 and 3 is 15. First, we divide 15 by 5. Jo quotient aya, wo 5 ke numerator se multiply ho gaya, 4, 3 is 12. Phir humne second denominator 3 ke saath LCM ko divide kiya, 5 aa gaya. And 5 will multiply by numerator of 3, that is 2. 2 5s are 10. So 12 plus 10 is equal to 22 upon 15. Similarly, in case of subtraction, we will apply the same steps. First, we find the LCM 3, 4 and 3. So, pehle 3 ko 3 se kiya, ab sirf 4 hai, to directly 4 ke saath kar sakte hain. 3, 4 the 12. Now, 12 is LCM of 4 and 3. So, it means we will divide 12 by 4 and 3 both. Now, the pehle 4 ke saath divide kiya, 4, 3 the 12. Jo quotient aya 4 ke numerator 3 se multiply ho gaya, 3, 3 the 9. Similarly, ab 12 ko divide kiya 3 ke saath. And jo quotient aya, that will multiply by the numerator of 3, that is 1. So 1, 4 the 4. Now, this is the case of subtraction. So, this time we will minus them. So, 9 minus 4 is 5 by 12 is the answer. Now, in H part, LCM of 6 and 3. First, we will divide by 3. 6 ko divide kiya 2, 3 ko divide kiya 1. Now, it by 2. So, LCM is 3 into 2, that is 6. So, 6 is the LCM of 6 and 3. It means we will divide LCM 6 by both denominators. So, pehle 6 ko hum is 6 ke saath divide kar dete hain. 6 1 the 6. And the quotient will multiply by numerator, which is 5. So, 5 1 the 5. Now 6 will divided by 3, 3 to the 6, 2 is quotient, it will multiply by the numerator, 2 on the 2. So we get 3 by 6. Now we can write them in the simplest form also. Both the numbers are divisible by 3. Dono 3 ke saath divisible hai. 3 1s are 3, 3 to the 6. So your final answer is 1 by 2. In I part, we are having 3 fractions, 2 by 3 plus 3 by 4 plus 1 by 2. So here, we will take the LCM of all these 3 numbers, denominators. First, I am dividing by 3. 4 and 2 are not divisible by 3. So write same it as it is. Now, 4 and 2 are divisible by 2. So divided them by 2. Here, 2 and 1. Again, by 2 we get. So LCM is 3 into 2 into 2, 3 to the 6, 6 to the 12. So in this case, we are having LCM 12. Now 12 is LCM of 3, 4 and 2 also. It means 12 will be divided by 3, 4 and 2 turn wise. And after and their answer will be multiplied by their numerators. So first I am dividing 12 by 3. So 3, 4 the 12 and this 4 will multiply by 2. We get 8. Now come to the next. This time 12 divided by 4. 4, 3 the 12. And this quotient multiply by its numerator 3. So it is 3, 3 the 9.
Now in last, 12 will be divided by 2. So we get 2 6 the 12, and this quotient 6 is multiply by 1. So we get here 6. So 8 plus 9 17 plus 6 23 upon 12 is our answer. So next part, 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 6. So first we will take the LCM of 2, 3 and 6. Dividing by 2, here it comes 1. 3 divide nahi hoga. 6 ko divide kiya, 3 aa jayega. And now dividing by 3. So LCM is 6. So 6 is the common is the LCM of 2, 3 and 6. So this time 6 will be divided by these 3 denominators and answers will be multiplied with the numerators. Now I am dividing 6 by 2 first. So hamare paas aa gaya 2, 3 the 6. 3 will multiply by 1. 3, 1 the 3. Next, 6. Abhi se divide kiya 3 ke saath. We get 3 to the 6. And this quotient will multiply by its numerator 1. So we get 2. And last, 6 will divide by 6. And we will get 1. And this 1 will be multiplied by its numerator, which is 1. So our answer is 3 plus 2, 5 plus 1 is 6. So we get 6 by 6. That is 1 by 1 means 1 is its answer. So in a K part we are having 1 and 1 by 3 plus 3 and 2 by 3. These are the mixed fractions. First we will convert them into improper. So improper ke liye denominator ko 1 se multiply kiya, 3 1 so 3 and numerator isme hum add karenge over 3. Isi tarah 3 into 3 plus 2 and denominator 3. So here we get 3 1 the 3 plus 1 4 by 3, 3 plus 3 3 the 9 plus 2 11 by 3. So here we are having the fractions which are having same denominator, means like fraction. So like fraction mein hame LCM ki zarurat nahi hai, hum directly hamare paas common denominator aa gaya 3 and numerators will be added. So 4 plus 11, so its answer is 15 by 3. So 3 or 15 in a simplest form mein kiya ja sakta hai because both the numbers are divisible by 3. So 3 ko 3 se kiya 1, 15 ko 3 se divide kiya 5. So we get 5 by 1, that is 5 as our answer. In part 10, 4 and 2 by 3 plus 3 and 1 by 4. First we convert them into improper fraction. 3 multiply by 4 plus 2, then 4 multiply by 3 plus 1 and over their denominators. So 3 for the 12 plus 2, 14 by 3 and here it becomes 13 by 4. So sabse pehle, same step we will take the LCM of 3 and 4. So it is equal to 12. Now 12 is LCM of 3 and 4. So 12 ko hum pehle 3 se divide karenge. We get 4 aur 3 jo answer aya wo iske numerator 14 ke sath multiply ho jayega. 14 4 the 56. Similarly now 12 will be divided by 4. We get 3 and this 3 will multiply by its numerator, that is 3. So 13 3 the 39. So after addition we will get 95 by 12 as our answer. In M part we are having 16 by 5 minus 7 by 5. So here 5 is the LCM because these are like fractions, so 5 common denominator ho gaya. So numerator will subtract it as it is. 16 minus 7, 9 by 5 will be its answer. So last part we are having 4 by 3 minus 1 by 2. So first we take the LCM of 3 and 2, it is 6 again. Now 6 is the LCM of 3 as well as 2. So that means hum 6 ko 3 or 2 dono se divide karenge. First I am dividing by 3, we get 2. Or this 2 will multiply by its numerator, that is 4. So we get 8. Similarly, next time 6 will be divided by 2. Answer is 3. And this 3 will multiply by its numerator 1, 3, 1, the 3. So 8 minus 3, answer is 5 by 6. Second question is, Sarita bought 2 by 5 meter of a ribbon and Lalita bought 3 by 4 meter of ribbon. What is the total length of ribbon they bought? Sarita ne 2 by 5 meter length ka ribbon liya, Lalita ne 3 by 4 meter length ka ribbon liya. Now we want to know that what is the total length, matlab unhone ribbon ki total kitni length khareedi, we have to find that. So for that purpose we will add the part of the Sarita as well as of Lalita. See here, Sarita bought 2 by 5 meter, Lalita bought 3 by 4 meter. So total length will be 2 by 5 plus 3 by 4. Now unlike fraction, we will follow the same steps. LCM of 5 and 4. And 4 will divide by 4. So LCM is 5 into 4, that is 20. So here LCM is 20. So 20 is LCM of 5 as well as 4.
तो हमने सेम वही करना, 25 का भी 5 पहले 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 फोर द 20, नाउ इट्स क्वोशेंट विल मल्टीप्लाई बाय इट्स न्यूमरेटर दैट इज 2, सो वी गेट 8 प्लस. सिमिलरली नाउ इट इज द टर्न ऑफ 3 बाय 4, 20 विल डिवाइडेड बाय 4 एंड वी गेट 5 एज क्वोशेंट. सो दिस 5 विल मल्टीप्लाई बाय इट्स न्यूमरेटर दैट इज 3, सो 5 3 द 15. सो टोटल लेंथ बोर्ड बाय देम इज 15 प्लस 8 23 अपॉन 20 मीटर. सो दिस इज द आंसर. सो दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ द रिबन विच दे बोर्ड. थर्ड क्वेश्चन, नैना वॉज गिवन 1.5 पीस ऑफ केक, नजमा वॉज गिवन 1 and 1/3 पीस ऑफ केक, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ केक वॉज गिवन टू दैम. नैना को 1.5 पीस केक का मिला, नजमा को 1 and 1/3 पीस केक का मिला, तो हमने बताना है कि टोटल दोनों को कितना केक मिला. फॉर दैट पर्पज वी विल एड दिस फ्रैक्शंस. नाउ नैना गोट 1.5, इसको पहले हम इम प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, देन दिस 1 विल बी एडेड एंड डिनोमिनेटर विल सेम. 2 1 the 2 plus 1, इट इज 3/2, इट मीन्स नैना गॉट 3/2 पीस ऑफ केक. एंड सिमिलरली 3 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड आफ्टर दैट दिस 1 विल बी एडेड, सो 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 ओवर 3, सो इट इज 3 plus 1 4/3. तो नजमा को मिला 4/3 बार, तो दोनों को टोटल कितना मिला, सो वी विल ऐड दैम 3/2 plus 4/3. सो सेम फर्स्ट फाइंड द एलसीएम, 3 into 2 दैट इज 6, सो यह है एलसीएम इज 6. सो एलसीएम इज 6 इज एलसीएम 2 and 3, सो वी विल डिवाइड 6 बाय बोथ 2 and 3. द फर्स्ट टाइम डिवाइडिंग 6 बाय 2 वी गेट 3, 2 के साथ डिवाइड किया 3 आ गया एंड दिस 3 विल मल्टीप्लाई बाय इट्स न्यूमरेटर 3, सो 3 3 9. नेक्स्ट 6 विल नाउ मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 3 वी गेट 2, सो दिस 2 विल मल्टीप्लाई बाय इट्स न्यूमरेटर दैट इज 4, सो 4 to the 8, सो टोटल पीस दे गेट 17/6. सो वी विल कन्वर्ट देम इनटू मिक्स फ्रैक्शन, सो 6 to the 12, 17 minus 12 5, सो मिक्स फ्रैक्शन 2 and 5/6, सो दे बोथ गॉट 2 and 5/6 अमाउंट पीस ऑफ केक. दिस इज देयर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फिलिंग द बॉक्सेस, हियर इन ऑल दीज पार्ट्स ब्लैंक्स आर गिवन एंड वी हैव टू फिल द अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन सो दैट वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर्स. तो मतलब हमने यहाँ पर ये फाइंड करना, जैसे ए पार्ट है कि इस बॉक्स में क्या फ्रैक्शन आएगी, उसमें से 5/8 माइनस करें और 1/4 बन जाए, ठीक है. इसी तरह बी पार्ट और इसी तरह सी पार्ट. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन आई विल टेल यू वन थिंग, कोई भी अगर प्रॉब्लम हमारे पास आती है कि यहाँ पर हमारे पास सपोज एक ब्लैंक है और उसमें कुछ नंबर ऐड हो रहा है, इज इक्वल टू समथिंग आ रहा है, ठीक है ना. तो अब ये इस क्वेश्चन को देखो तो साफ पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पे 2 आएगा तो 5 बन जाएगा. लेकिन एक्चुअली हम करते कैसे हैं, क्या होता है कि जब भी हमने कोई मिसिंग चीज़ फाइंड करनी होती है, जिस चीज़ को फाइंड करना होता है, हमारे पास क्या होता है, एक इक्वेशन बनी हुई होती है जिसके बीच में इक्वल का साइन होता है. इसे हम लेफ्ट साइड बोल देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इस साइड को हम बोल देते हैं राइट हैंड साइड. तो क्या होता है कि जो चीज़ मिसिंग है, जब जैसे ये चीज़ मिसिंग है इसे फाइंड करना है, तो इसके साथ जो भी नंबर लिखा है उसे हम उठा के दूसरी साइड ले जाते हैं. अगर वो लेफ्ट पे है तो उसे राइट पे ले जाएंगे, अगर राइट पे है तो उसे लेफ्ट पे ले आएंगे. तो उससे क्या होता है, तो जब हम टर्म्स को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट टू राइट साइड, जब राइट टू लेफ्ट साइड, तो कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं. अब वो चेंजेस क्या होते हैं कि अगर लेफ्ट साइड पे कोई नंबर पॉजिटिव है, ऑन अदर साइड इट विल बिकम माइनस, मतलब जब दूसरी साइड जाएगा तो वो माइनस बन जाएगा, ठीक है. अगर एक साइड कोई नेगेटिव है तो दूसरी साइड जब उसे लेके जाएंगे दैट विल बिकम प्लस. अगर एक साइड पे कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड लेके जाओगे इट विल बिकम डिवाइड, और अगर कोई इधर चीज़ डिवाइड हो रही है तो नेक्स्ट यू विल कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन. मींस के जब हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, स्पेशली कुछ मिसिंग फाइंड करने के लिए, तो उसमें क्या होता है, हमारी टर्म्स शिफ्ट होती हैं लेफ्ट टू राइट साइड या राइट टू लेफ्ट साइड. सो दोनों केसेस में क्या होता है कि अगर कोई नंबर पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव है या प्लस हो रहा है, तो दूसरी साइड लेके जाओगे तो उसका साइन चेंज हो जाता है. तो वो साइन कैसे चेंज होते हैं, पॉजिटिव का नेगेटिव बन जाता है, नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड बन जाता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई. तो इसी तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अब जैसे ये मैंने सिंपल एग्जांपल लिया कि इसमें मैंने प्लस 3 किया, सो दैट आई गेट 5. तो मैंने क्या किया, मैंने 3 को इधर शिफ्ट कर लिया, ब्लैंक वहीं का वही है,
तो मैं थ्री, यहाँ पे मेरे पास दूसरी साइड क्या है, फाइव. अब थ्री को मैं शिफ्ट कर रही हूँ, तो इसे हम उधर लेके जाएंगे. नाउ इट इज़ पॉजिटिव, हियर द साइन इज प्लस. तो अब जब हम इसे शिफ्ट कर रहे हैं देन इट विल बिकम माइनस, सो यू विल गेट टू. दैट मीन्स अगर थ्री में हम टू प्लस करेंगे देन वी विल इट विल इक्वल टू वन. तो इसी मेथड को हम फॉलो करते हुए अपना फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सी हाउ, नाउ सी हियर वी वांट अ फ्रैक्शन जिसमें से फाइव बाई एट माइनस करेंगे देन वी विल गेट वन बाई फोर. तो इस चीज़ को, इस मिसिंग चीज़ को फाइंड करने के लिए वी हैव टू शिफ्ट फाइव बाई एट ऑन राइट हैंड साइड. तो हमारे पास इधर रह गया ब्लैंक बॉक्स इज इक्वल टू वन बाई फोर. अब फाइव बाई एट को हमने राइट हैंड साइड पे लेके जाना है, तो यहाँ पे ये क्या है, नेगेटिव. तो ऑन अदर साइड इट विल बिकम पॉजिटिव. तो मीन्स इस फ्रैक्शन में आंसर कौन सा आएगा जो इन दोनों को प्लस करके बनेगा. नाउ सी दिस इज सेम एज द एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन. सो वी विल टेक द एलसीएम ऑफ फोर एंड एट. आई एम डिवाइडिंग बाई टू, इट कम्स टू, हियर कम्स फोर, अगेन बाई टू, वन टू, अगेन बाई टू. सो एलसीएम इज टू इंटू टू इंटू टू, दैट इज एट. तो हमारे पास एलसीएम आ गया एट. नाउ एट इज एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स. तो एट फोर का भी एलसीएम है, एट का भी है. तो दैट मीन्स हम एट को फोर से पहले डिवाइड करेंगे. सो डिवाइडिंग एट बाई फोर, फोर टू सा एट, वी गेट टू. और टू विल मल्टीप्लाई बाई इट्स न्यूमिनेटर, दैट इज वन. सो टू वन द टू प्लस. नेक्स्ट एट विल बी डिवाइडेड बाई एट, सो क्वेश्चन इज वन. सो दिस वन विल मल्टीप्लाई बाई फाइव. सो हेयर इट कम्स, सॉरी वन विल मल्टीप्लाई बाय, सॉरी फाइव विल मल्टीप्लाई बाय वन. सो वी गेट फाइव. सो इट इज इक्वल टू सेवन बाई एट. दैट मीन्स के जो हमारी मिसिंग फ्रैक्शन है वो कौन सी आ गई यहाँ पे, सेवन बाई एट. सो सेवन बाई एट इज आर आंसर. सिमिलरली इन बी पार्ट, वन बाय फाइव विल शिफ्ट ऑन द राइट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास वन बाय टू है. अब वन बाई फाइव को उधर लेके जाएंगे, हेयर इट इज माइनस, सो इट बिकम पॉजिटिव वन बाई फाइव. नो सेम टू एंड फाइव का पहले एलसीएम ले लेंगे. सो इट इज टू इंटू फाइव, दैट इज टेन. सो इट मीन्स टेन इज एलसीएम ऑफ टू एज वेल एज फाइव. सो हेयर इज द टेन एलसीएम. तो नेक्स्ट स्टेप सर, डिवाइड करते हैं टू और फाइव के साथ टर्न वाइज. टेन को टू से किया फाइव. सो दिस फाइव विल मल्टीप्लाई बाय इट्स न्यूमिरेटर, सो इट इज वन. सिमिलरली टेन विल डिवाइडेड बाई फाइव, वी गेट टू. And this 2 will multiply by its numerator 1, 2. So your answer is 7 by 10. It means there is 7 by 10 in the box. So required answer is 7 by 10. Now in C part, we want to find the value of the box. A box ke aage bhi negative sign hai, toh hum saath mein box ke carry karenge. Now 1 by 2 will shift on the right hand side. सो वन बाई सिक्स इज ऑलरेडी हेयर. अब वन बाई टू के पहले उसकी लेफ्ट साइड पे साइन देख रहा था, यहाँ पे कोई साइन नहीं, दैट मीन इट इज़ पॉजिटिव. तो अब जब हम इसे शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, इट विल बिकम नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव बॉक्स का है और यहाँ पे पॉजिटिव, इसके आगे कोई साइन नहीं था, दैट मीन इट वॉज पॉजिटिव. तो अब हम इसे शिफ्ट कर रहे हैं, इट विल बिकम नेगेटिव. सेम टेकिंग एलसीएम, टू वन द टू, टू थ्री द सिक्स, देन थ्री के साथ. सो टू इंटू थ्री, सिक्स इज दी एलसीएम. नो सिक्स इज एलसीएम ऑफ सिक्स एंड टू. तो अब हम सिक्स को दोनों डिनोमिनेटर्स के साथ डिवाइड करेंगे. डिवाइडिंग सिक्स बाई सिक्स, सिक्स वन द सिक्स, दिस वन विल मल्टीप्लाई बाय इट्स न्यूमिरेटर, दैट इज वन. वन माइनस, नेक्स्ट इज सिक्स डिवाइडेड बाई टू, टू थ्री द सिक्स, एंड दिस विल मल्टीप्लाई बाय थ्री, थ्री. नो सी अब ये वन पॉजिटिव है, थ्री नेगेटिव है, डिफरेंट साइंस आते हैं. मैं हम इंटीजर्स पे चलते हैं. इंटीजर्स में क्या था, हम इंटीजर्स लिखते हैं, बड़ा ऊपर लिख लेंगे, छोटे वाला नीचे लिख लेंगे. नाउ दे आर हैविंग डिफरेंट साइन, इट मीन दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. टू आ गया, अब साइन कौन सा कैरी करेगा, जो बड़े नंबर का साइन है. सो ग्रेटर नंबर इज थ्री, इट्स साइन इज नेगेटिव, सो इट इज़ माइनस टू बाई सिक्स. इट मीन्स यहाँ पे आ गया हमारे पास बॉक्स में माइनस. देखो अब बॉक्स के बाहर भी माइनस है और जो अंदर बॉक्स के आंसर आया दैट इज़ आल्सो माइनस टू बाई सिक्स. अब माइनस एंड माइनस दे बोथ विल मेक अ पॉजिटिव साइन, सो हेयर इट बिकम्स टू बाई सिक्स. सो ओके स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड फोर क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज. इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम और एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.